सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज बहुत सारी चीजें, बहुत खुशखबरियां और कई गर्मा गर्म मुद्दे लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए, समय ज्यादा न लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज हम आपको बता देना चाहते हैं कि टीजीटी में, जैसा कि आप जानते हैं, इंटरव्यू नहीं है, प्रवक्ता में इंटरव्यू है। चयन बोर्ड ने अपनी नियमावली में बदलाव कर दिया। हमने आपसे कहा था अपनी दो तीन वीडियो को पहले ही कि अब जो आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा, है ना, अब जो आपको कॉल लेटर भेजा जाएगा वो बाय पोस्ट नहीं, ऑनलाइन माध्यम से भेजा जाएगा। और चयन बोर्ड ने इसकी पुष्टि भी कर दी है, है ना। आज पेपर में भी आपको दिख गया होगा। और पहले क्या होता था, आपको 21 दिन का टाइम पीरियड मिलता था, 21 दिन पहले आपको कॉल लेटर मिल जाया करता था। अब वो समय सीमा घटा करके क्या है, वो 10 दिन कर दी गई है। मतलब अब आपको इंटरव्यू के लिए 10 दिन पहले ही जो है सूचना प्रदान की जाएगी कि आपका इंटरव्यू कब है। तो ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी इस कसमकस को लेकर के हैं कि आखिर हमारा परिणाम आएगा कब। तो हम आपको यह बता देना चाहते हैं, प्रवक्ता की स्क्रीनिंग का काम समाप्त हो चुका है, प्रवक्ता की स्क्रीनिंग का काम समाप्त हो चुका है और अब परिणाम को जो है तैयार करने के में चयन बोर्ड जुट गया है। टीजीटी की स्क्रीनिंग का काम कल तक या परसों तक ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, है ना। जो है मतलब इसमें आप बेफिक्र रहिए कि मतलब अभी स्क्रीनिंग का काम चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा मतलब थोड़े बहुत ओएमआर बच गए हैं और थोड़ी सी मतलब टेक्निकल फॉल्ट इस चीज के लिए थी क्या कैसे, तो वो उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अभी भी 2-3 दिन का वक्त लगेगा। और 2-3 दिन में आपकी पूरी ओएमआर चेक हो जाएगी। प्रवक्ता हो गई है, टीजीटी बाकी है, टीजीटी भी हो रही है। प्रवक्ता में जिस तरीके से मतलब विषयों की कटाप जो मतलब ऊपर नीचे गई है, हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि इस बार मतलब किसी भी विषय का, कोई भी विषय, पर्टिकुलर एक मैं विषय की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी विषय की कॉलिंग, किसी भी विषय की, मैं पूरे 22-23 विषयों की बात कर रहा हूं, कॉलिंग आपको 100+ नहीं मिलेगी, उसके नीचे ही कॉलिंग रहेगी, समझ रहे ना, उसके नीचे ही कॉलिंग रहेगी, 100+ कॉलिंग नहीं रहेगी। तो जो लोग इसमें मतलब क्वालिफाई हों, जो भाई बहन बंधु मित्र इसमें क्वालिफाई हों, वो अपनी पूरी तन्मयता के साथ, अपनी पूरी तैयारी के साथ, है ना, अपने साक्षात्कार को दें। और अगर वो काल हो रहे हैं, अगर वो जो साक्षात्कार के लिए काल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें शिक्षक बनने की योग्यता है। शिक्षक बनने की योग्यता है का मतलब है कि आप शिक्षक बन सकते हैं। आप साक्षात्कार में कैसा प्रदर्शन करते हैं, किस तरीके की आपको जो है अंक अर्जित होते हैं, ये बहुत मायने करेगा आपको जो है सिलेक्शन के प्रोसेस में। चलिए, अब दूसरी अपडेट को हम अपने क्लियर करते हैं। आपके एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के एक महत्वपूर्ण सूचना निकल करके लोक सेवा आयोग से आ रही है कि उसका पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है लोक सेवा आयोग ने, कहां कितने पद खाली हैं। पदों का जो ब्यौरा सामने आया है वो 10,000 के समथिंग पदों का ब्यौरा सामने आया है और इस पे मतलब विज्ञापन आयोग तैयार कर रहा है और आपके सम्मुख बहुत जल्दी जियो देखने के लिए मिलेगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। और बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे बंधु मित्र जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो मतलब टीईटी वगैरह पास नहीं है, वो मतलब टेट के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि इसी सितंबर के लास्ट वीक में आपको टेट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे ये सवाल किया था कि क्या मतलब एलटी ग्रेड में टेट हो जाएगा, किसी तरीके की प्रक्रिया में बदलाव होगा। तो हम आपसे बता देना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, कोई टेट नहीं, कोई पेट नहीं, कुछ नहीं। आपकी जो प्रक्रिया चल रही थी उसी प्रक्रिया पे आपकी भर्ती होगी, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, कोई नया शिक्षा चयन आयोग नहीं बनने जा रहा है, वही पुराने बोर्ड आपकी भर्तियां करेंगे, ठीक है ना।
और एक मुद्दा मतलब जो है विद्यार्थियों ने पूछा था कि एलटी ग्रेड में जो मतलब 40% अनिवार्य है, क्या वो मतलब सब्जेक्ट के लिए है या पूरे 150 क्वेश्चन के लिए है या वो चीज, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको 40% अनिवार्य है। 40% में क्या होता है कि मतलब आपको जीएस में भी वो आंकड़ा छूना है। होता क्या है कि जैसे जीआईसी का जो है 2009 में पेपर हुआ था, कई सारे अभ्यर्थियों ने क्या किया था कि मतलब सब्जेक्ट में वो बहुत बेहतर कर ले गए थे, सब्जेक्ट के 120 प्रश्नों में वो बहुत बेहतर कर ले गए थे, लेकिन 30% जीएस को वो नहीं सही से कर पाए थे, इसलिए वो जो है मतलब जीआईसी प्रवक्ता होते होते रह गए, है ना, मतलब वो नहीं बन पाए। तो इसका जो क्राइटेरिया है लोक सेवा आयोग का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आप दोनों चीजों की तैयारी करिए, आप जीएस भी पढ़िए और आप जो है मतलब अपना सब्जेक्ट भी पढ़िए। क्यों? क्योंकि आपको दोनों में जो है मतलब अच्छा प्रदर्शन करना है, इस आपको एक तरीके से नहीं वो करना है, एक पर्टिकुलर चीज में नहीं आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, दोनों में प्रदर्शन अच्छा करना है। हमारी अगली सूचना है शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय को लेकर के, जो हमारे शिक्षा मित्र भाई बंधु हैं उनका बढ़ा हुआ मानदेय उनको अक्टूबर से मिलने लगेगा और जो है मतलब उनके मानदेय में दोगुना की वृद्धि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, तो उनको बढ़ा हुआ मानदेय अक्टूबर माह से मिलने लगेगा। अगली सूचना आपकी यूपीएसआई की परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव को लेकर के है, जो है पुरुष प्रोन्नति बोर्ड ने उसमें कुछ बदलाव किया है और अक्टूबर के महीने में आपका पेपर होने की प्रबल संभावना है। आज शासन स्तर की मीटिंग हो रही है और हो सकता है कि इस पे मुहर लग जाए, है ना, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस चीज का विरोध करना आरंभ कर दिया है कि जो हाई पावर कमेटी बनाई गई है खाली भर्तियों के लिए, उसको मतलब ना सुन करके जो है जो खाली पद पड़े हैं उस पर विज्ञापन निकाल दिया जाए। तो जो सरकार की मंशा है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 12.5-13 लाख बीएड बीटीसी और डीलेड छात्र जो कि टेट सी टेट सुपर टेट आदि पास होकर के मतलब बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे नए विद्यार्थियों की भी फौज है जो कि टेट में शामिल नहीं हो पाई है, तो उनको भी अवसर देने के लिए पहले आपका टेट होगा उसके बाद ही सुपर टेट की वैकेंसी आपके देखने के लिए मिलेगी, है ना, तो ये मतलब मुद्दा आपका नहीं है। अगली जो सूचना है वो आपके पीजीटी प्रवक्ता के प्रवक्ता विषय के मतलब परिणाम को लेकर के है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि मुख्य मुख्य विषय जैसे आपका हो गया नागरिक शास्त्र, इतिहास, हिंदी और आपका संस्कृत, गणित, विज्ञान, तीनों मतलब जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इन सभी के परिणाम मतलब जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, है ना, और बहुत जल्दी ही आपके सम्मुख देखने के लिए मिलेंगे। और यह मत सोचिए कि परिणाम आपका एक दो दिन में आ जाएगा, नहीं, परिणाम आने की प्रक्रिया जो स्टार्ट होगी वो 15 तारीख के बाद ही स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो है हाई कोर्ट में सुनवाई है, सुनवाई होने के बाद जो काउंटर फाइल होगा, जो काउंटर वहां पे दाखिल होगा, जो चयन बोर्ड का जवाब दाखिल होगा, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और जहां तक मतलब सूचना प्राप्त हो रही है कि चयन बोर्ड दोबारा परीक्षा कराने पर विचार कर रहा है, चौंकिए नहीं, पूरी टीजीटी नहीं, पूरी पीजीटी नहीं, दोबारा परीक्षा कराने पर विचार उन विद्यार्थियों का कर रहा है जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी, है ना, 650 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी, तो उनके दोबारा परीक्षा कराने पर विचार कर रहा है। और प्राप्त सूचना के अनुसार काउंटर में भी यही मतलब जो है चयन बोर्ड ने अपने बचाव के लिए दिखाया है, और साथ साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी मतलब उस काउंटर में लगाया है कि हमको 31 अक्टूबर की समय सीमा मिली है और हमको हर हाल में भर्ती कंप्लीट करके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाना है, काउंटर फाइल करना है, शपथ पत्र देना है। तो मतलब अगर इस तरीके से न्यायालय जो है विवाद सामने आते रहेंगे, व्यवधान उत्पन्न होते रहेंगे, तो हम कैसे समय पे मतलब भर्ती पूरी कर पाएंगे। तो आप बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आपका परिणाम 15 सितंबर के बाद जारी होने लगेगा, बेफिक्र होइए, निश्चिंत हो जाइए। और आपको जो है मतलब हम अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहते हैं जो भाई बहन इसमें सिलेक्ट हो रहे हैं। अगली जो सूचना है वो सूचना आपकी लेखपाल भर्ती और यूपी 888 के नए नोटिस से है।
उन विद्यार्थियों का जो है मतलब क्या इंतजार समाप्त हो चुका है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती की, की का इंतजार कर रहे हैं और पेट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको बता देना चाहते हैं पेट का आपका रिजल्ट सितंबर माह के लास्ट वीक में आ जाएगा, है ना। उसकी स्कैनिंग का काम चल रहा है, ओएमआर की चेकिंग की जा रही है और आपका परिणाम सितंबर लास्ट तक आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है वीडियो की भर्ती, उसके बाद आपको लेखपाल की भर्ती, ये सब देखने के लिए मिलेगी। अगली जो सूचना है वो मतलब लोक सेवा आयोग के जीआईसी प्रवक्ता के एग्जाम सेंटर को बदलने के लिए है और जो है मतलब लोक सेवा आयोग को पत्र के माध्यम से ये विनम्र प्रार्थना की गई थी कि इसमें बदलाव करे। अभ्यर्थियों की ये मांग भी है, मांग जायज भी है, तो ये मतलब जो है आयोग को करना चाहिए, इससे विद्यार्थियों का धन समय और स्वास्थ्य तीनों की बचत होगी। अगली जो सूचना है वो सूचना हमारी संबंधित है लोअर की नई भर्ती को लेकर के। लोअर सबॉर्डिनेट की भर्ती को लेकर के विवाद उत्पन्न होता जा रहा है। ये भर्ती आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी करा रही थी, अब अभ्यर्थियों की मांग है कि इस भर्ती को लोक सेवा आयोग कराए जैसे पहले लोक सेवा आयोग कराता रहा है। तो इसमें क्या है कि जो नए पद आ रहे हैं इन पदों को जो है मतलब लोक सेवा आयोग कराए, इसके लिए शासन को बाकायदा ईमेल और पत्र भेजा गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भी पत्र भेजा गया है और सारी चीजों की शिकायतें की गई हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि इस भर्ती को लोक सेवा आयोग को सौंप दिया जाए और लोक सेवा आयोग ही जैसे पहले कराता आ रहा है वैसे लोक सेवा आयोग भी कराए इसको, यूपी ट्रिपल एससी ना कराए। तो और जो अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो आपके 50 साल के रिटायरमेंट को लेकर के, जो जबरन स्क्रीनिंग करके रिटायरमेंट की बात सामने आ रही है उसका विरोध शुरू हो गया है और मैं समझता हूं कि विरोध जायज भी है। क्यों? क्योंकि अभ्यर्थियों को तैयारी करते नौकरी पाते तो कम से कम 35-40 साल लग ही जाते हैं, 10 साल हो नौकरी करने के बाद जबरन रिटायर कर दिए जाए तो ये सही नहीं है। तो ये सारी चीजें मतलब जो है मेरी दृष्टि में अवैधानिक है, गैर कानूनी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र सीमा है 62 वर्ष, आप उसी पे उनको रिटायर करिए, उनका भी परिवार है, उनकी भी जिम्मेदारियां होती हैं, सारी चीजें होती हैं, तो आप इस तरीके की कार्रवाई ना करें, यही हमारी सरकार से विनम्र प्रार्थना है। मित्रों हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब आप पूरी तरीके से पूरी तन्मयता से एडेड जूनियर वगैरह की तैयारी में लगे रहिए, एलटी की तैयारी में लगे रहिए। क्यों? क्योंकि जब विज्ञापन आपके सम्मुख आएगा तो सरकार जो है आपका कम से कम आपको समय देगी तैयारी करने के लिए, और हम जहां तक समझते हैं कि आपके पेपर कंटिन्यू लग जाएंगे दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, फिर आप सोचेंगे कि हम ये पढ़ें कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें कि ये पढ़ें, और उसी में फिर जो है मतलब आप घूम जाएंगे झुमरी तलैया की तरह। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि फिर आप कसम कसम पढ़ेंगे ना, आप जो है एलटी की सही तैयारी कर पाएंगे ना, आप जो है मतलब पीटी की सही तैयारी कर पाएंगे ना, आप जो है यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर पाएंगे, ये सारी चीजें जो है मतलब दिक्कत में आपको महसूस कराएंगी। तो वन बाय वन करके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, क्योंकि परीक्षाएं होंगी ये 100% है, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपकी आएगी ये भी 100% है, एलटी की वैकेंसी आएगी ये भी 100% है, तो आप अपनी तैयारियों में लगे रहिए। निराशा को छोड़ करके जो है आशा की उम्मीद की किरण पकड़ करके आप आगे बढ़िए, निश्चित है कि विजय आपकी होगी। और जो आपको अगली सूचना हमें देनी है, आईटीआई की जो 51,000 पदों की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपको 2-3 दिनों में देखने के लिए मिल जाएगा, जो मानदेय पे नियुक्तियों की बात हो रही है ना, तो मतलब वो जो है आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगी। वो डिग्री धारक जो आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के है, और आप तैयारियों में लगे रहिए। और भी जो जानकारियां हमारे सम्मुख आएंगी, आज हम आपको जो मतलब जिस कटाप पे रिजल्ट बन रहा है प्रयास करेंगे कि मतलब सार्थक जानकारियां हमें मिलें तो हम आपको बता पाएंगे, और बहुत सारी जानकारियां हमारे पास इकट्ठा होंगी दोपहर से लेकर शाम तक, तो हम आपके सम्मुख वीडियो लेकर के आएंगे। और आज शाम से हम आपको जीआईसी जीएस की ऑनलाइन कक्षाएं देने चल रहे हैं, हम जीएस आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और आप लोग मन लगा करके उसकी तैयारी करिए। आपको जूनियर की
जो है मतलब तैयारी करने के लिए, भाषा की तैयारी करने के लिए, चाहे वो हिंदी हो, सामाजिक विज्ञान हो, संस्कृत हो, इन सारी चीजों की तैयारी करने के लिए आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम उपलब्ध हैं, आप नोट्स की बुकिंग कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।